पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम सुहाव में एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने के साथ सुसाइड नोट छोड़ जाने के चलते आनू ग्राम के लोगों ने यहां पर पहुंच करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन दिया है, मामले में कार्रवाई की मांग की है। अभी ये घटना हो गई है आज रात्रि में। आनू की एक बच्ची जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सुहाव में उसकी शादी हुई थी अभी 22 मई को, तो 14 जुलाई को अभी वो लेने आए थे तो ले भी नहीं आ रहे थे क्योंकि दहेज में पहले तो 15 लाख रुपए उनको दे दिया शादी में और अभी 1 लाख रुपए और गाड़ी रह गई तो वो मांग रहे थे लेकिन हैसियत नहीं थी इन लोगों की देने की, तो वो टॉर्चर कर रहे थे दामाद को और बच्ची को। तो अभी 14 तारीख को जुलाई पिछली अभी निकल गई तो इसको लेने आ जाए, तो अभी गई बच्ची वहाँ पर, तो उसी दिन से बहुत टॉर्चर कर रहे थे, बोल रहे थे तुम लोगों को घर में जब घुसने दूंगा, बच्ची से बोल रहे थे जब तुम 1 लाख रुपये और गाड़ी लेके आओ। तो अब इनकी हैसियत नहीं थी तो नहीं जा रहा, बाकी उन्होंने फ़ोन किया और सुसाइड नोट भी छोड़ गया वो कि मेरे पिताजी, मेरी सौतेली माँ और भाई, भाभी और एक भतीजा, इन लोगों के कारण से मैं जहर खा रहा हूँ, ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, वो मुझे जायदाद से बेदखल करने की वे कह रहे हैं कि तुम्हें जायदाद से बेदखल करने घर घर में नहीं घुसने दे रहा है। आज ऐसे आप क्यों आए तो फिर आप लोग? तो अभी वो ख़त्म हो गए तो वो लाश चली गई वहाँ पर सुहाव और हम लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं SP साहब को कि सर इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग वहाँ जा रहे हैं सुहाव के लिए, तो हो सकता है वहाँ के लोग हम लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करें, कोई मारपीट करें, तो हम लोगों ने यहाँ पे साहब के लिए आवेदन दिया है।